कैसा लगा? रहा है रोना वोना आया कि नहीं आया? इमोशनल है ना, काफी इमोशनल है ना वैसे, दिखने में बड़ा इमोशनल अब लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी शूट में ऐसा कुछ मॉल नहीं था, हम बहुत हंस हंस के। इनफैक्ट वो जो लास्ट वाला, वो जो मैं ये व्हील चेयर पे आ रहा स्ट्रेचर पे, वो हम रो कम रहे थे, और ये जो ऐसे मुंह छुपा रहे मेरे कंधे पे, वो इसलिए छुपा रहे क्योंकि हंस रहे थे और बुरी तरह से हंसा रहे थे, और क्या क्या बोल के हंसा रहे थे मैं बताऊंगी नहीं, बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसा होता है कि ये गाना हर एक के लिए फील कर सकते हैं। ये गाना मैं अपनी माँ के लिए भी गा सकता हूँ कि जब भी मेरी सांस, जितना भी मैं कमाऊंगा या जब तक मेरी सांस रहेगी मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं अपने पापा के लिए भी गा सकता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी गा सकता हूँ, अपनी स्पाउस के लिए भी गा सकता हूँ, अपने अपने फियांसे के लिए भी गा सकता हूँ। तो आई वांटेड टू डू समथिंग कमर्शियल, टीनेज लव स्टोरी दिखानी थी एक, और छोटे छोटे सपने दिखाने थे कि लड़की के क्या क्या सपने होते हैं। उसने चीख मारनी है हिल पे जाके, तो मैंने मारनी है तो मारनी है जी, उसको ले गया जी। और उसने फॉलिंग स्टार्स देखे हैं। अब उसने फॉलिंग स्टार्स तो तारे तो तोड़ के ला नहीं सकता, वो कहता कि मेरे जेब में इतने पैसे हैं नहीं कि मैं तारे तोड़ के लाऊं, बट तेरे लिए तारे मैं स्काई शॉट्स कर सकता हूं। तो दिस वाज द आइडिया आई थिंक। अगर आपको पसंद आया तो ताली बजा दीजिए प्लीज। एक्चुअली स्टोरी का आइडिया, जब मैं गाना बना रहा था तो मेरे में ऐसा होता है कि व्हेनेवर यू मेक अ सॉन्ग, मेरे को होता है कि मैंने जब भी यार मोड़ दो भी, अगर आपने देखा होगा तो भी, मेरे ये था कि चार दोस्तों की कहानी होगी। तो जब मैं गाना बना रहा था तो मुझे ये था कि इसको ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है। बेसिकली जो आइडिया था वो वेडिंग इन द हॉस्पिटल था, कि मुझे शादियां तो कहीं भी होती रहती हैं बट हॉस्पिटल में नहीं होती, तो मुझे हॉस्पिटल में शादी दिखानी थी। एंड आई डिस्कस विद टी सीरीज एंड दे लाइक्ड इट एंड दे गिव मी अ गुड हेड गो हेड एंड दैट्स ऑल द थिंग्स गॉट डन। जब आपने ये गाना लिखा तो जन्नत आपके माइंड में कैसे आई? मैंने गाना नहीं लिखा, गाना लिखा है निर्माण ने, जिसने मैं देखा तेरी फोटो वो वाला गाना लिखा है। तो निर्माण इज माय वेरी गुड फ्रेंड, और मैं गाना भी बताता हूँ मुझे कैसे मिला। निर्माण ने गाना लिखा था किसी और के लिए, और हम गए थे अगेन टी सी का एक गाना था गोरा रंग करके, गोरा रंग शूट करने गए थे हम जॉर्जिया, और वहाँ पर हमने कर ली पार्टी। तो अब निर्माण जी फ्लाइट पर उड़ चुके थे, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं मांगू कुछ दोगे? मैंने कहा हाँ, कह रहा हाँ दूंगा। तो मैंने कहा गाना मेरा हुआ, तो सुबह उठ के वो रो रहा था कि यार मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया। दैट्स हाउ आई स्टोल द सॉन्ग, एंड लिखा था यार मेरी डेस्टिनी में लिखा था इतना अच्छा गाना होना और इतना अच्छा गाना बनाना, तो या उसने लिखा गाना। अच्छा नहीं होगा तो इतना, मतलब 100% एकदम आग बंद करके भरोसा था, तो बस ऐसे ही फटाफट सब हो गया और हम अच्छे से शूट करके भी आ गए इतनी ठंडी में। हेलो एवरीबॉडी, यही सोच के हाँ बोला था कि ये मिलन गावा का गाना है। इनके सारे गाने इधर काफ़ी टाइम से बहुत हिट जा रहे थे, और हमने सोचा कि अभी ये गाना होगा और इसमें अगर जन्नत भी होगी तो ये भी हिट होने वाला है, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शूटिंग ऑन दीज लोकेशन बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसी ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर अंग्रेज भी नहीं पहुँच पाए, हम तो वहाँ जाके चल नहीं रहा ना कोई बात नहीं, हाँ तो बड़ा मज़ा आया जाके, लेकिन दिख तो बहुत ज़्यादा सुंदर रही है लोकेशन। लेकिन भाई बोलते हैं हर चीज़ जो सुंदर होती है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, जैसे उन्होंने बताया कि मतलब एक जो स्टेज होती है ना ठंड लगने की, तब ठंड भी नहीं लगती बट हाथ पैर जो है वो सुन हो जाते हैं, मतलब कुछ फील नहीं होता, वो हो गया था। बट कोई नहीं, अच्छे वीडियो के लिए, अच्छे सॉन्ग के लिए, अच्छे लोकेशन पे ऐसा था शिफ्ट करना पड़ा था। हां, आई थिंक प्रॉब्लम करने के बाद लोगों को शिफ्ट करना पड़ा दूसरी लोकेशन। मेहनत तो बहुत लगी गाने में, इनफैक्ट एक सेटअप था क्योंकि वहां पे बारिश और मीनिया भी इतनी हो रही थी, हमारा पूरा सेटअप खराब हो गया, हमारा एक दिन तो पूरा वेस्ट ही हो गया, तो पूरी यूनिट को शिफ्ट करना पड़ा दूसरी लोकेशन पे, कुछ 3-4 घंटे ट्रैवल करके गए थे। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी बिग कॉल फॉर द यूनिट, और फिर भी सबकी पॉजिटिव वाइब्स थे इतने कि नहीं यार आए हैं तो करके जाएंगे,
तो बड़ी मेहनत लगी स्टार्टिंग में, बहुत मुश्किलें भी आई, बट वो सारी मुश्किलें हम पार करके हमने सॉन्ग शूट किया सक्सेसफुली और हम वापस इंडिया आए। अच्छा लग रहा है और बहुत अनएक्सपेक्टेड सा था ये, मुझे नहीं लगा था। ऑफकोर्स आपके बहुत सारे होप्स होते हैं फ्यूचर को लेके कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट आई थिंक ये सब कुछ था लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। यू नो, एक हर चीज़ का एक टाइम होता है कि हाँ होगा होगा होगा, लेकिन ये सब इतना बैक टू बैक इतना अच्छे से हो गया और फिर इतना प्यार भी मिल रहा है और इतने अच्छे लोगों के साथ हो गया, सो आई थिंक ये सब मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था और आई फील ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जन्नत बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं और बहुत ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, ये चीज़ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट में, और किडिश भी होना इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो अपनी इनोसेंस अपने पास समेट के रखता है तब तक वो अच्छा कलाकार है, मैं ये मानता हूँ। मैं भी थोड़ा सा बोला सा हूँ, ऐसे बच्चों वाला हूँ, है ना, तो ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इनमें ये चीज़ है और आई थिंक दैट्स अ गॉड गिफ्ट, इतनी हम्बलनेस, इतनी ग्राउंडेड एंड बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। आप दोनों के शूट के एक्सपीरियंस बहुत ही मिक्स्ड रही, शूट पे तो मज़ा आया, शूट पे हमने काफ़ी मस्ती की, काफ़ी हंसी मजाक किया, बट शूट के पहले जो शूट की तैयारियां थी उन्होंने उसने हमें काफ़ी तंग किया, क्योंकि वहाँ का आर्मेनिया में गाना शूट हुआ है, ऑल थैंक्स टू टी सीरीज भूषण सर, उन्होंने हमें आर्मेनिया जाने का मौका दिया, वहाँ पे गाना शूट हुआ है और वहाँ पे बहुत वेदर जो है वो डायनामिक है, कभी कभी स्नोफॉल हो जाती है, कभी अगले पल में बारिश हो जाती है, वो भी मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो उसमें उन वेदर कंडीशंस में कोप अप करना बहुत मुश्किल था, बट शी डिड वेल, हमेशा एक 24 घंटे 24 आवर्स शी वाज रेडी टू गिव द शॉट एंड वेरी प्रोफेशनल। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जाके गाना देखिए। हाँ जी बिल्कुल, जाके गाना देखिए, हमने बहुत मेहनत करी है और काफ़ी अच्छा इमोशनल गाना है, जो आई एम श्योर कि यू नो ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं, वरना गाने कुछ होते हैं जो कि यू नो मैच्योर लोगों को समझ आते हैं, कुछ गाने होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, कुछ गाने होते हैं तो जो टीनेजर्स को समझ आते हैं, लेकिन आई थिंक ये एक ऐसा गाना है जो कि हर एज ग्रुप को पसंद आएगा, हर कोई इसे देखना पसंद करेगा और हर कोई इससे कनेक्ट होगा, सो ये गाना जो है सिर्फ किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या यू नो किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है, यू नो ये कुछ सीमित नहीं है, इसका लिमिट नहीं है, यू नो कोई भी देख सकता है, कितनी बार भी देख सकता है ये, अपने हर किसी के साथ बैठ के देख सकते हैं, एंड यू नो इट हैज़ दैट फैमिली वाइब, यू नो इट हैज़ गॉट दैट वाइब के यू नो आप उसको किसी के भी साथ देखें और उसे शेयर करें। ऑफकोर्स यही मैं चाहती हूँ बोलना कि अभी तक इतना सारा प्यार दिया है और ये वन ऑफ माई अभी के लिए बिगेस्ट प्रोजेक्ट है और मैं बहुत खुश हूँ उसका पार्ट होकर, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा ऑल थैंक्स टू टी सीरीज, ऑल थैंक्स टू टी सीरीज, या ऑल थैंक्स टू टी सीरीज, ऑल थैंक्स टू मिलिंद एंड बाकी थैंक यू टू यू ऑल कि अभी तक के हमारा जो फर्स्ट लुक था, जो हमारा पोस्टर था, उसको इतना प्यार दिया आप लोगों ने, तो आगे भी गाना आ गया है तो अब जल्दी से जाइए देखिए और बहुत सारा प्यार उसको भी दीजिए। मुझे ना समझ नहीं आया, मतलब मैं गाना देख रही थी और मैं तो ऐसे खुश, मैं साथ में गा भी रही थी, वाह कितना अच्छा है, अरे ये, और फिर जब आप देखते हो तो आपको याद आता है अच्छा ये शॉट के पहले ना ये हुआ था, अच्छा ये, तो मैं वो सब देख के ना खुश हो रही थी एंड सडनली यार ऐसे देख रहे हैं मम्मी को ऐसे, मतलब ये क्या हुआ, और अंधेरा था, मैंने डाला तो मम्मा तो एकदम मतलब ऐसे ऐसे हो रही हैं एकदम आंसुओं के साथ, मैं हंस रही थी फिर भी क्योंकि मैं खुश थी कि हमने ऐसा यू नो ऐसा प्रेजेंट किया है गाने को कि मम्मा इतनी इमोशनल है नहीं, वो कनेक्ट हो रहा है, वो हर एक आदमी रिलेट कर रहा है, हर एक बंदा रिलेट कर रहा है, मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो।